हरिद्वार में शांतिपूर्ण ढंग से आज सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू कर दिया गया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इंटर कॉलेज बहादुराबाद रघुमल इंटर कॉलेज मतगणना केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि जीत के बाद किसी भी तरह का जय या जुलूस निकालने पर IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और शपथ ग्रहण में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए जुलूस कोई भी कतई ना निकाले। श्री पांडे ने कहा है कि जनपद में धारा 144 पहले से ही लगा दी गई थी, जिसके तहत किसी भी तरह मजमा या भीड़ होने पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। और सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लाइन ऑर्डर हमारा मेंटेन रहे, निष्पक्ष धारा 144 लगी हुई है। किसी भी विजय जुलूस पर, विरोध जुलूस पर टोटल प्रतिबंध है। अगर कोई विजय जुलूस निकालता है, बाकायदा वीडियोग्राफी होगी, उसके विरुद्ध IPC की धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और वो मान के चले फिर उसको शपथ ग्रहण करने में दिक्कत हो जाएगी। धन्यवाद। हरिद्वार उत्तराखंड से विशेष संवाददाता की रिपोर्ट।